हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम कुंवर नारायण द्वारा जो हमने कविता की थी, कविता के बहाने और बात सीधी थी के प्रश्न उत्तर करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि दोनों कविताएं तुम्हें समझ में आ गई होंगी। सरलार्थ और प्रश्न उत्तर, सरलार्थ तुमने अपनी कॉपी में लिख भी लिए होंगे और आज हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं। सबसे पहले कविता हमने की थी कविता के बहाने, कुंवर नारायण द्वारा रचित, तो इसी से संबंधित है। इस कविता के बहाने बताए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। कविता के बहाने, कविता की तीसरा पैरा है ये। सब घर एक कर देने के मायने बच्चे के माध्यम से बताया है कि कविता किसके समान है। एक बच्चे के समान है, जिस प्रकार वो अपना पराया, तेरा मेरा, इस घर उस घर का भेद नहीं रखता है। जहां पर भी उसे प्यार मिलता है वो इधर उधर चला जाता है और उसके मन में कोई एक दूसरे के प्रति वैर भाव नहीं होता है। तो उसी प्रकार से कवि की जो रचना होती है, कवि की जो कविता होती है, वो सबको एक कर देने के लिए है। यानी किसी जाति, समूह, संप्रदाय या किसी धर्म के लिए नहीं है, वो सभी के लिए समान अपना संदेश देती है। अपने जो उसका उद्देश्य होता है वो सब तक समान पहुंचता है। तो इसलिए कवि ने अपनी कविता की तुलना बच्चे के समान की है जो सबको एक कर देता है। इसी प्रकार से कवि की रचना भी सभी के लिए है जो सब में एक दूसरे में समता का भाव पैदा करती है। दूसरा प्रश्न है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? पहले पैरे में दिया गया है कि कविता किसके समान है, चिड़िया के समान है, कि जिस प्रकार से चिड़िया पंख उड़ाकर फैलाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जाती है, उसी प्रकार से कविता भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना उद्देश्य, अपना संदेश लोगों तक पहुंचाती रहती है। और उसका साथ साथ खिलना फूल के समान बताया है। दूसरे पहरे में कवि ने कविता को किसके समान बताया, फूल के समान बताया है कि कवि फूल जिस प्रकार से खिलता है सबको अच्छा लगता है, अपनी खुशबू फैलाता है चारों तरफ, अपनी खुशबू से सबका मन मोह लेता है, उसी प्रकार से कवि की कविता भी एक फूल के समान खिलती है। और जिस प्रकार से फूल सबको अपनी सुगंध फैलाकर सबको अपनी ओर सम्मोहित करता है, उसी प्रकार से कवि की कविता भी खिलती है, रचना की जाती है और उसका जो उद्देश्य होता है उस और उसकी जो सीख होती है उसके माध्यम से वो सब तक पहुंचती है। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि चिड़िया का जो उड़ना है उसकी सीमा एक हद तक सीमित होती है, और उसी प्रकार से फूल का खिलना भी और उसकी महक भी, क्योंकि चिड़िया कुछ समय तक उड़कर, एक दूरी तक उड़कर वापस आ जाती है, ठहर जाती है, और उसी प्रकार से फूल भी कुछ समय के लिए खिलकर अपनी खुशबू फैलाकर मुरझा जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कवि की जो कविता है, उसकी जो रचना है, वो कभी भी नष्ट नहीं होती है, उसकी उड़ान कभी भी खत्म नहीं होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो अपने उद्देश्य, वो अपने संदेश लोगों तक पहुंचाता रहता है। और इसलिए कवि ने उड़ान के माध्यम से और चिड़िया की उड़ान के माध्यम से और फूल के खिलने के माध्यम से उसका संबंध बताया है कविता के साथ। तीसरा प्रश्न है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? हम बताएंगे कि कवि ने सबसे अंत में बताया। पहले और दूसरे पहरे में देखो, कवि अपनी कविता की रचना सबसे पहले चिड़िया के समान बताता है कि किस प्रकार से चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जाती है और पंख फैलाकर उसी प्रकार से जैसे चिड़िया उड़ती है उसी प्रकार से कवि की कविता उड़ती है। और दूसरे पहरे में क्या बताया है कि कवि की कविता किसके समान है, एक फूल के समान है और अपनी खुशबू फैलाती है। लेकिन ये क्या है, हर एक दोनों पहरों में ये भी बताया गया है कि भला कविता की उड़ान चिड़िया क्या जाने और भला फूल की उड़ान, कविता की उड़ान फूल क्या जाने। लेकिन तीसरे पहरे में ये बताया गया है फूल की उड़ान बच्चे ही जाने, इस घर उस घर सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही जाने। यानी जो एक दूसरे में वैर भाव है, दूरियां हैं, वो सब क्या है, बच्चे उन सब की दूरी को खत्म करके अपनापन बढ़ाते हैं, प्यार बढ़ाते हैं। तो उसी प्रकार से कवि की कविता भी क्या है, सब में समता का भाव पैदा करती है। इसलिए बच्चे के समान कवि की कविता को बताया गया है, इसीलिए उसके साथ उसका संबंध भी बताया गया है। चौथा प्रश्न है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? जैसा कि ऊपर वाले प्रश्न में समझाया गया था दो प्रश्न पहले कि कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं, कवि ने क्या बताया है कि कविता किसके समान है। दूसरे पहरे में बताया गया था कि फूल के समान है, फूल जिस प्रकार से खिलता है,
सब उसकी ओर आकर्षित होते हैं। जो अब उसकी महक होती है वो सबको सम्मोहित करता है। और उसी प्रकार से कवि की कविता भी क्या है, अपनी फूल के समान खिलती है और सबको अपने संदेश और अपने उद्देश्य के माध्यम से अपनी जो महक है चारों तरफ फैलाती है। तो उसी प्रकार से कवि ने यहाँ पर कविता को क्या है, बिना मुरझाए, बिना मुरझाए का मतलब क्या है कि फूल की एक सीमा होती है, एक सीमा के पश्चात 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में फूल मुरझाकर गिर जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन कवि की जो रचना है उसकी कोई सीमा नहीं है, वो सदियों तक बिना मुरझाए, बिना मुरझाए हम सब तक अपना संदेश देती रहती है। इसलिए कवि ने कविता के किसलिए कहा है, यानी बिना मुरझाए, बिना नष्ट हुए हम तक, सब सब तक अपना संदेश देती रहती है। अब आ गया है जो 5वां प्रश्न है, वहां से हमारी दूसरी कविता, कुंवर नारायण की दूसरी कविता शुरू होती है। और वो दूसरी कविता कौन सी थी, हमारी थी कवि, पहली थी कविता के बहाने और दूसरी थी बात सीधी थी। अब यहाँ से दूसरे कविता के प्रश्न शुरू हो जाते हैं कि बात सीधी थी। कवि ने कौन सा 5वां प्रश्न, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है। कविता के बिल्कुल आखिर में कवि को जब ये महसूस होता है कि कवि ने जो कविता की रचना कर दी है उसे सुधारने की बजाय उसे वहीं पर उल्टा सीधा शब्दों को घुमा फिरा रहा है वो, तो अंदर से कवि के ही एक अंदर से आवाज आती है जैसे, यानी कवि को अपनी गलती का पता है लेकिन फिर भी वो उसे सुधारने की बजाय वहीं पर टिगड़मबाजी कर रहा है, मोटे तौर पर कहा जा सकता है। लेकिन कवि के अंदर जो एक बच्चा छिपा हुआ है, जो सच्चाई उसके मन में है, जिसे वो अपनी कमी को छुपा रहा है, यानी वो उसे एक बच्चे की तरह, शरारती बच्चे की तरह क्या छेड़ कर उसे कह रहा है, वो कह रहा है कि क्या तुम्हें भाषा को सहूलियत से बरतने नहीं आया है, अर्थात क्या तुम कवि बने हुए हो लेकिन भाषा का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है अब तक तुम्हें इसका क्या अभी तक पता नहीं है। यानी भाषा कैसे प्रयोग करनी चाहिए, सीधी व सरल भाषा का प्रयोग करनी चाहिए जो आम जनता तक, हम तक अपना संदेश, कवि की जो रचना है वो आसानी से समझा सके। प्रश्न नंबर 6, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे। यानी जो हम अपनी बात कहना चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति से हम बात करते हैं या कवि जब अपनी कविता की रचना करता है और वो जो बात हमें बताना चाहता है, कवि का जो उद्देश्य होता है उस कविता का, जो संदेश होता है, वो बात जो हमें अपने तक पहुंचाना चाहता है, कई बार कठिन शब्दों के प्रयोग से या ऐसे शब्द या ऐसी चीजों के प्रयोग से, उसमें छंद भी हो सकते हैं, अलंकार भी हो सकते हैं, या तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग हो सकता है, या भाषा का लय में न होना, या किसी भी प्रकार से ऐसा प्रयोग कर देना कि जो सरल भाषा में ही जो हम सब तक वो जो बात पहुंच सकती है, वो कठिन शब्दों का प्रयोग करके या बात को गलत तरीके से प्रस्तुत करके हम ऐसे उसे बना देते हैं कि जैसे एक खिचड़ी बन जाती है। उसी प्रकार से भाषा को अगर हम सही तरीके से प्रयोग नहीं करते हैं तो सीधी सरल बात भी हम तक नहीं पहुंच पाती है या हम दूसरों तक नहीं समझा पाते हैं। प्रश्न नंबर 7, बात के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंब मुहावरों का मिलान कीजिए। बात में कसावट का न होना, यानी जो बात बताना चाहते हैं वो नहीं, बात के पेच खोलना, ठीक है, तो ये आपस में मैच करने हैं, सब बच्चे आपस में ये मैच करेंगे, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, कविता के बीच का ही है ये, आप लोग ये अपने आप कर सकते हैं।